गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल हैप्पी आवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है विभांशी का बर्थडे। आज हम विभांशी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो सुबह जो है विभांशी की, हम लोग बर्थडे के लिए जो पूजा होती है वो करवा रहे हैं और पंडित जी ने बोला कि मैं सुबह 6 बजे ही आ जाऊँगा। तो ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, हमारा सारा काम फिनिश हो गया है, सफाई एंड ऑल सब कुछ हो गया है, रेडी। मैं नहा ली हूँ और अब मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ियाँ, जो कि हमारे हर स्पेशल ओकेज़न में बनती हैं। उड़द दाल की पकौड़ी, जिसके मैंने आपको दिवाली व्लॉग में भी बताया था, तो अगर आपको उसकी रेसिपी देखनी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो है काम फटाफट से फिनिश करते हैं और इस ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो ये बन रही है हमारी उड़द दाल की पकौड़ियाँ। ये है इसका बैटर जिसको हम बना रहे हैं कुछ इस तरह से। थोड़ा सा पानी लगाएंगे हाथ में, इसको बैटर को ऐसे लेंगे और एक पॉलिथीन पे रखने के बाद इसको हम स्प्रेड कर लेंगे हल्के गीले हाथ से और इसमें बीच में एक होल करेंगे। थोड़े से इस तरह से दो उंगली से हम तेल लगाते हैं और अब इसको निकाल के डाल देंगे इसमें। तो विभांशी और विभांशी के पापा कर रहे हैं संडे की पूजा, जो कि हमारे यहाँ हर बार होती है, हर संडे को होती है रति देवता की। तो वो कर रहे हैं, विभू जाओ पापा के साथ जाओ बेटा। और अंदर पंडित जी कर रहे हैं पूजा की तैयारी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और मॉर्निंग का टाइम हो गया है और अभी बजे हैं सुबह के 7। पंडित जी आ गए हैं, जो कि बोल रहे थे मैं 5 बजे आ जाऊंगा और पंडित जी आए हैं 7 बजे। तो बाकी हमारी प्रिपरेशन हो गई है सारी। तो यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी मेरे ससुर जी और पंडित जी। तो बन गई है हमारी उड़द दाल की पकौड़ियाँ। शकरीजकुण्डलम् शबीदवस्त्रम् श्रीसारवेक्षणम् सहारवक्षस्थलकस्तुभम् श्रियम् नमामि विष्णुम् श्रीशाम् चतुर्भुजम् आगमार्थम् विधिवारम् गमनार्थम् सुरक्षिताम् सर्वभूतम् निदार्थाय भण्डारारम् करोम्यहम् गरुडस्थ विष्णवे नमः गरुडाय नमः गरुड घंटाय नमः मंत्र पुष्पांजलिम् समर्पयामि नमः। तो यहाँ पे हमारी जो शेरनी है वो सो गई है, इसको मैंने थोड़ी देर सुला दिया था, वरना क्या होता है ना, नाइट में नींद पूरी नहीं होती है तो फिर ये क्या करती है, रोना शुरू कर देती है, बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगी, थोड़ा फ्रेशनेस मिल जाएगी। तो जब तक विभांशी सोई है मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ डेकोरेशन एंड ऑल। तो यहाँ पे हो गई है विभांशी के बर्थडे की डेकोरेशन। मैंने बहुत ही सिंपल इसको रखा है और आया है आज हमारा नया डाइनिंग टेबल और भी फर्नीचर आया है विभांशी के बर्थडे पे, हमने सारा न्यू फर्नीचर लिया है। तो यहाँ पे विभांशी है, देखो क्या कर रही हो आप, मजा आ रहा है? हाँ, आज सोनी दीदी आई है, हाय करो। यहाँ पर हमारे मेहमान खुद ही डेकोरेशन कर रहे हैं। करो करो, वेरी गुड, शो मी योर टैलेंट।
बोलकर जाओ, हेलो राइन भी बोलकर जाओ, बोलो हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, नहीं अगेन बोलो हैप्पी बर्थडे टू मी, खाना भी हुआ नहीं है यहाँ देखो आशी का, यहाँ देखो दो दो चॉकलेट मिल गया, रो रो के आखिरकार तुमने अपना टारगेट पूरा कर ही लिया है। हेलो वानी, आज के डिनर में बन रहा है छोले भटूरे और ये हमारे स्पेशल कुक आए हैं और मैं यहाँ पे बेल रही हूँ और यहाँ वितरण हो रहा है समोसों का। ये हमारे गेस्ट सर्विंग में लग चुके हैं। यम्मी यम्मी फूड। आज मैं बताऊं सोनी दीदी ने क्या करा है, सो गिरा दिया, ये देखिए गीला, ये देखो गीला है ना, है ना। आपको बर्थडे में मजा आया? हाँ, पर आज मैंने किसी गाड़ी में वाला बर्थडे केक थोड़े बनाया है, जो मैं यूनिकॉर्न वाला। तो अभी हो गए हैं रात के 11 बज गए हैं और अभी तक हमारा काम जो है, गेस्ट सारे चले गए हैं, थोड़ा बहुत फिनिश हो गया है क्लीनिंग ऑल ऑल, क्योंकि ना हमारे घर में क्या होता है, रात को ही हम सारा साफ ऑफ करके सोते हैं, सुबह के भरोसे नहीं रहते हैं। तो अभी क्लीनिंग वगैरह का प्रोसेस चल रहा है, मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ 10 मिनट का, कमर सीधी हो रही है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए, सुबह 4 बजे से हम लोग आज उठे हुए हैं, तो अभी वाइंड अप हो रहा है। मैंने अभी डिनर नहीं किया, हस्बैंड भी ऐसे ही बैठे हैं, अभी साथ में हम लोग अभी डिनर करेंगे, इनके 2 गेस्ट आने वाले हैं साथ में, उनके साथ हम लोग सब डिनर करने वाले हैं। तो विपांशी मजा आया आपको इधर बताओ? हाँ मजा आया, कितने सारे गिफ्ट्स मिले आपको यहाँ पे? विपांशी रात के 12 बजे के बाद गिफ्ट्स ओपन करने की प्रोसेस में है, जो कि बहुत सारे हैं, एक ऑलमोस्ट ओपन होके ट्राई भी हो गया है। अच्छा बताओ किसने आपको क्या क्या दिया? पक्का आपको पता है यूनिकॉर्न वाला बैग? वाओ आज तो आपका थीम ही पूरा पूरा हो गया, केक भी यूनिकॉर्न, यस यूनिकॉर्न वाला बैग भी मिल गया, नीचे का और इसमें कॉटन होगी। हाँ पक्का? हाँ। और चॉकलेट और ये कितनी सारी चीजें हैं आपकी, और आपने तो शेयरिंग भी करी है सबके साथ चीजों की। पक्का होगा, पक्का होगा। अब सबको थैंक यू बोलो। वो अपनी चॉकलेट्स और टॉफीज को संभालते हुए इतना सारा चॉकलेट और टॉफीज विभू के पास आज कलेक्ट हो गया। हाँ विभू मजा आ गया? हाँ बहुत मजा आया। मैंने इतना सारा नहीं खा सकती, मैं बहुत स्मॉल सी टुकी खा के देखूंगी। हाँ तो बोलो फिर गाइस को, आई होप आपको आज का हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो, विपांशी का बर्थडे। और अगर आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पे अगर नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।